हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेस्टी और डेलिशियस पास्ता बनाएंगे वाइट सॉस में 6 लोगों के लिए। पास्ता बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो है आधा लीटर दूध, 3 टेबलस्पून मैदा, 250 ग्राम्स पेने रेगाटे पास्ता, 3 टेबलस्पून बटर, 2 चम्मच गार्लिक, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ओरिगेनो, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, मोत्तरेला चीज़, 2 क्यूब प्रोसेस चीज़। पैन में तकरीबन 1.25 लीटर तक पानी ले लेंगे। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। बॉयल आ जाने पर पानी में 250 ग्राम्स पास्ता डालें। पास्ता को बॉयल होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब पास्ता पूरी तरह से बॉईल हो गया है। पास्ता को छान लें। एक चम्मच तेल डाल दें बॉईल किए हुए पास्ता पे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए पैन में 3 टेबलस्पून बटर लें। बटर मेल्ट हो जाए इसमें 2 चम्मच गार्लिक डालें। गार्लिक को अच्छे से पकाएं। गार्लिक पक जाए इसमें 3 टेबलस्पून मैदा डालें। मैदे को अच्छे से पकाएं। अब हमारा मैदा पक गया है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें और कंटिन्यूस घुमाते जाएं दूध को। दूध रूम टेम्परेचर पर लें या थोड़ा गर्म लें। ठंडा दूध ले वापरने से सॉस लंपी हो जाएगी। दूध थोड़ा थोड़ा डाल के तब तक घुमाते जाना है जब तक बटर, मैदा और दूध पेस्ट के जैसे ना बन जाए तब तक। अब हमारी बटर, मैदा और दूध की पेस्ट बन गई है। अब पूरा दूध डाल दें। लम्स ना हो इसके लिए हमें लगातार इसे घुमाना है। सॉस में अब 2 क्यूब चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। आपके पास चीज़ क्यूब्स ना हो तो चीज़ स्लाइसेस डालें। नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ओरिगेनो, 100 ml तक पानी। इसे अच्छे से घुमाएं और पकाएं। जब सॉस में बॉयल आ जाए तब पता कैसे चले आपको कि आपकी सॉस तैयार है या नहीं। इसके लिए 1 चम्मच लें, उसे कोट करें सॉस से और उसे लाइन बना के देखें ऐसे। अगर आपकी सॉस टेबल रहती है आपके स्पून पे तो आपकी सॉस तैयार है। सॉस में अब पास्ता डाल दें। अगर आपको सॉसी पास्ता पसंद है तो पास्ता थोड़े कम डालें। पास्ता को एक अच्छा सा स्टर दें ताकि आपके पास्ता पूरे सॉस से कवर हो जाए। 2 टेबलस्पून क्रीम डालें। सर्व करते समय आप पास्ता के बीच में मोज़रेला चीज़ डालें। से आपके पास्ता को और चीज़ी इफ़ेक्ट आएगा। ये आपका यम्मी और टेस्टी पास्ता तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।